हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरवी। तो आज मैं लेके आया हूं एम ऑडियो का एक डबल टिन प्लेयर है जो टच स्क्रीन है। आज इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में इसके फीचर्स भी जानेंगे कैसा है, पूरा रिव्यू दूंगा पूरा, कैसा टच है इसका, कैसा साउंड है, कैसा दिखता है, कैसा वीडियो क्वालिटी है। और हाँ, इसके अंदर एक मिरर लिंक है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा और आने वाले सेटों में ऐसे मिरर लिंक आने भी वाले हैं। फिलहाल अब इसके हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं क्या क्या है। मैड 5500 प्लेयर का नाम है और बाकी स्पेसिफिकेशन दे रखे। 7 इंच डिजिटल टच स्क्रीन है इसका, मेमोरी कार्ड डल सकता है इसके अंदर, 2.0 पोर्ट का USB डलेगा, 1080 पिक्सल वीडियो फॉर्मेट है ये इसके सपोर्ट फॉर्मेट कर रखे हैं, पेन ड्राइव में कौन कौन से सपोर्ट करेंगे। साथ में USB है, मेमोरी कार्ड भी डल सकता है, क्लॉक है, रिमोट कंट्रोल है, FM रेडियो है, सपोर्टेड है। बाकी देखते हैं डब्बे में और क्या लिखा है, बाकी सेम सब कुछ लिखा है, पोज करके जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। बाकी अब इसके हम अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या क्या है। बॉक्सिंग में आपको सबसे पहले मिल जाएगा इसका वारंटी कार्ड प्लस कपलर्स मिलेंगे, 2 कपलर दे रखे हैं अलग अलग, पावर का कपलर अलग है और स्पीकर्स का कपलर अलग है, जो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि कंफ्यूजन नहीं होगी वायरिंग में। बाकी प्लेयर देखते हैं, हल्का है थोड़ा, बाकी क्वालिटी देखते हैं इसकी कैसी है क्वालिटी। थोड़ा एक हाथ से करना पड़ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो में ऊपर नीचे होएगा। ये है एम ऑडियो का 5500, मैट 5500, दिखने में अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी ठीक है, प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक है। ये इसका बैक का है जिसके अंदर 2 आपके कपलर लगेंगे, स्पीकर्स का अलग लगेगा और पावर का अलग है। ये इसके आउटपुट्स है, वीडियो आउटपुट्स दे रखा है, 2 RCA केबल दे रखा है, सबवूफर ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। बाकी एंटीना है, रेडियो का एंटीना दे रखा है इसके अंदर, दिखने में अच्छा है, प्रिटी गुड है, इंटरफेस इसका बहुत प्यारा है। बाकी ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि कैसे आपको वायरिंग करनी है, रेड और राइट लेफ्ट स्पीकर्स वगैरह सारे ये अच्छा दे रखा है कि कौन सी वायर कौन सी है, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे से कर रखी है। बाकी ये इसका पावर कपलर है, पावर कपलर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। ये स्पीकर्स के कपलर हैं जिसके अंदर ये 4 स्पीकर्स दे रखे हैं, आपके डोर स्पीकर इसमें आराम से आप लगा सकते हो, बजा सकते हो। बाकी ये पावर कपलर है, पावर कपलर में भी स्पेसिफिकेशन दे रखा है, सब पे एक टैग लगा हुआ कि कौन सी वायर कौन सी है। येलो वायर हमेशा ऑलवेज बैटरी वायर होती है जो सीधा बैटरी में से आ रही होती है, और रेड वायर ऑलवेज हमारे इग्निशन से होता है, जब गाड़ी हम ऑन ऑफ करते हैं तो साथ में सिस्टम भी ऑन ऑफ होता है, और ब्लैक वायर ऑलवेज आपको ग्राउंड वायर ही मिलेगी। तो ये 3 तारे हैं, रेड, येलो एंड ब्लैक, जो आपको ध्यान देना है। बाकी कैमरा वायर है, सेंसर वायर है, बाकी जो इन्होंने दे रखी है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, अलग अलग कंपनी का ये अलग हो सकता है, लेकिन येलो ब्लैक और रेड हर कंपनी का सेम ही होता है। अब बात करते हैं हम सिस्टम की, सिस्टम को ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये है इसका इंटरफेस, पूरा बढ़िया दिखता है सिस्टम, गाड़ी में लगा हुआ अच्छा दिखेगा। थोड़ा फोकस आ जाए मेरे भाई, कहाँ है फोकस, ये फोकस है। इसके अंदर ये बटन्स दे रखे हैं, आपका रीसेट का बटन एकदम टॉप के ऊपर है, यार फोकस थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाद में आपको मेमोरी कार्ड भी मिल जाएगा, ऑक्स केबल भी आप में आपका आगे ही है, और USB पोर्ट भी आपका आगे ही लगा हुआ है। चलो अब इसको ऑन करके देखते हैं, ऑन में कैसा दिखता है, टच क्वालिटी कैसी है, और बाद में इसका प्राइस भी बताऊँगा एंड में कितना है कितना नहीं है। तो ये वेलकम आ गया है और इसका एक लोगो आएगा एम ऑडियो का, आप इसको भी लोगो को भी आप चेंज कर सकते हो, चाहो तो अपना फ़ोटो वगैरह स्क्रीनशॉट लेके आप अपने लगा सकते हो। तो ये इसका इंटरफेस है, इसका FM म्यूज़िक मूवीज़ पी लिंक, जिसके बारे में मैं आपकी बात कर रहा था कि ये ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं एंड में बताऊँगा पूरा प्रॉपर बताऊँगा। एक्सप्लोरर इसके अंदर आपका मेमोरी कार्ड, BT ब्लूटूथ, ऑक्स इन, और ये सेटिंग का है, साथ में आपका इक्वलाइज़र वगैरह दे रखे हैं, आप सेटिंग्स में जाके उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। पार्किंग सेशन है, आउटपुट है, लोगो सेकंड सेटिंग की जो मैं बात कर रहा था वो दे रखा है इसमें, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटे में अच्छा धमाका है, बढ़िया है, लो बजट में है, जिनको ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए कि हाँ भाई FM चले और 2 स्पीकर चल जाए, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। अंदर वी स्टीयरिंग माउंट भी दे रखा है, इनबिल्ड है, बस आपको एक वायर लेनी पड़ेगी जो आपका कनेक्ट हो जाएगा उसके अंदर, और बाद में आप सेटिंग भी कर सकते हो बटन्स की, आपको कैसे वॉल्यूम का किधर चाहिए, और फॉरवर्ड वगैरह जो आप ट्रैक चेंज करते हो, म्यूट वगैरह मोड किधर चाहिए, एक अच्छी सेटिंग दे रखी है, बढ़िया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेन फीचर की, सेट की जो सबसे अच्छी लगी मेरे को, पी लिंक। पी लिंक में आप फ़ोन का मिररिंग आप अपने सेट पे कर सकते हो बहुत ईजिली तरीके से,
प्लस आप उसको यूज़ भी कर सकते हो अपने सेट की तरफ से। आजकल जितने भी सेट आ रहे हैं मार्केट में, ये फीचर्स आ ही रहा है और आगे आगे पॉइंटर सोनी वगैरह भी देगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया फीचर है। मैं फीचर बताया तो बस आपको फ़ोन कनेक्ट करना है, जिसको फ़ोन में ऑलरेडी डिवाइस यूएसबी से स्क्रीन मिररिंग होता है उसको ये ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक ऐप है, डाउनलोड कर लो, आपको मैं बता देता हूँ कौन सा ऐप है। यूएसबी डबू ऐप है, डेबू, ये यूनिवर्सल ऐप है, डबिंग, सॉरी, यूएसबी डबिंग है, यूनिवर्सल ऐप है, किसी भी एंड्रॉयड आईओएस में आपको मिलेगा ये। साथ में आपको सिर्फ अपना फ़ोन को प्लग करना है और इस ऐप को ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऐप ऑन करोगे, यहाँ पे आप नीचे आओगे, यूएसबी डबिंग आपको ऑन करना है, बाकी और कोई सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं। बाकी आप ऐप जब डाउनलोड करोगे, आप अपने आप से आप देख सकते हो, जैसे ही आप ऐप और डाउनलोड करोगे, आप उसको ऐप को ऑन करोगे और वायरिंग लगाओगे, तो आपका फ़ोन सीधा फ़ोन मिरर हो जाएगा आपके सेट में। ये ओके करा मैंने और ये फ़ोन आ गया मेरा सीधा सेट पे। और सबसे बड़ी बात है, आप फ़ोन को टच करने की फिर ज़रूरत नहीं, आप सीधा इधर से ही आप प्ले कर सकते हो सारी चीज़। आपको फ़ोन को उठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सेट से ही आपका पूरा फ़ोन चलेगा, सारी चीज़ चलेगी। अब जैसे मैंने वीडियो चलाई है, इसके अंदर देख सकते हो एप्पल का ऐड आ रहा है, तो ये मेरा टच मैंने खुद ही चलाया, मैंने को फ़ोन छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, फ़ोन से ही डायरेक्ट चल रहा है ये। फ़ोन से ही मैं आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और फ़ोन से कह रहा हूँ अपने स्क्रीन से ही मैं आगे कर सकता हूँ। ये लिंक बहुत अच्छा आ रहा है, कई सेटों में मैंने देख लिया है, जो भी चाइनीज़ सेट आ रहे हैं ज़्यादातर उसके अंदर ये चीज़ आ रही है, जो बहुत बढ़िया है कि आपको फ़ोन का झंझट उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा इस चीज़ से आपको सब कुछ आप इसी से कर सकते हो। दोस्तों कुछ और वीडियो चला के देखते हैं, ये मेरी पुरानी वीडियो है जिसके अंदर मैंने लोकल ब्रांड सबवूफर का डेमो दिया था आपको, अच्छे होते हैं नहीं, अच्छे वाकई में अच्छे होते हैं, लो बजट में अच्छा धमाका कर रहे हैं, अच्छा बढ़िया और पीस बिक भी रहे हैं। जिसको ये ऑर्डर करना है मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अब तक जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और उसके अगले बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बाकी और सॉन्ग बताता हूँ आपको, ये है, पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है, कोई लाइट इफेक्ट्स ट्यूब्स वगैरह जल रही हैं कोई ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा हो, बाकी बढ़िया है, आपका सफ़र आराम से कट सकता है इसके अंदर। आप देख सकते हो वीडियो क्वालिटी अच्छी है इसके अंदर। सो दोस्तों अब बात करते हैं इसके मेन फीचर प्राइस की, प्राइस आपको कितने का पड़ेगा। प्राइस आपको ये 3,999 रुपये का पड़ेगा, विद फ्री शिपिंग वगैरह सब कुछ। आपको इंडिया में कहीं पे भी ये चाहिए होगा तो आपको 3 या 4 दिन के अंदर आपके घर पे पहुंच जाएगा। अगर प्रोडक्ट में कोई भी कमी आती है तो हम रिप्लेसमेंट भी देते हैं, रिप्लेसमेंट ला के नया दे देंगे आपको, बदल के नया दे देंगे। बाकी ये पूरा रिव्यू था इसका, प्राइस बता दिया है, पिक्चर क्वालिटी गुड है, टच क्वालिटी भी प्राइस के हिसाब से एकदम बढ़िया है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या प्रोडक्ट लेके आता हूँ उसके लिए मेरे को आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके आगे लगे बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको यूँ ही मिलती रहे। और हाँ, सेफ ड्राइव, डोंट ड्रिंक ड्राइव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।